अन्ना हजारे साहब को हर इलेक्शन से पहले लाया गया, उनकी चिट्ठी लाई गई, उस पर तीन तीन दिन चार चार दिन बहस हुई, मगर राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं होता है। अन्ना जी मैं पुनः कहूंगा, शाही किसकी, कलम किसका, किसका हाथ, किसका कागज, छोड़िए ये बताइए जो दावा किया गया है वो सत्य है, उसमें दम है कि नहीं है। और मत मानिए चलिए अपने गुरु की बात भी, लेकिन अरविंद केजरीवाल स्वराज पुस्तक में शराब के बारे में ये सुझाव देते हैं और मैं पढ़ देता हूं, शराब की दुकान खोलने का कोई लाइसेंस तभी दिया जाना चाहिए जब ग्राम सभा इसकी मंजूरी दे दे और ग्राम सभा की संबंधित बैठक में वहां उपस्थित 90% महिलाएं इसके पक्ष में मतदान करें। शांत करें रवि जी, रवि जी का ग्राम सभा है क्या? नहीं, ये क्या एनालॉजी लेके आ रहे हैं? ये तरीका तो ठीक नहीं है ना। अरे कोई टेंडर नहीं निकाला आपने, आपने टॉयलेट को क्लासरूम बना दिया और गिनती करवा दी और उसके बाद आपके टेबल पे फाइल पड़ी रही, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये एलजी अंजना जी, मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा कि देखिए, जब आंदोलन के बाद पार्टी बनाने का फैसला हुआ, कुछ लोग उस फैसले के साथ पार्टी के साथ आए, कुछ लोग इस फैसले के साथ कि पॉलिटिकल पार्टी में नहीं आना, वो लोग पार्टी के साथ नहीं आए। अन्ना हजारे और उनके साथ उनके कई सारे सहयोगी थे जो पार्टी के अंदर नहीं आए, तो जाहिर सी बहुत बात है कि इन दो ग्रुप्स के अंदर अब कुछ चीज़ों पे मूल तौर पे जो है इस चीज़ की ये समझ लीजिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अब हर जगह जब जब आम आदमी पार्टी को समस्या आएगी, हमारे वो जो साथी हैं उनके पास हक है, वो ये बात कह सकते हैं देखिए हमने कहा था ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हम लोग राजनीति के अंदर आए, फैसला करके आए, लोगों के अंदर रेफरेंडम करके आए, हम अपनी एक राह पे चल रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्यों किसानों के लिए, किसान 1000 किसान मर गए, ये लोग क्यों उनके लिए नहीं आए? हमने तो इनसे सवाल नहीं पूछा, हमने तो नहीं पूछा कि जब एक एक संस्था किसानों के पक्ष में खड़ी हो गई, 1000 लोगों ने जान दे दी, आप लोगों ने क्यों मोदी जी से सवाल नहीं किए? हमने तो नहीं पूछा। इनकी अपनी राह है, इनकी अपनी काम है, हमारी अपनी राह है, हमारे अपने काम है। मगर क्या है कि अगर हमारा किसी पार्टी के साथ द्वंद्व हो रहा है और आप उस पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं, तो वो पार्टी बेसिकली अन्ना हजारे साहब का और उनकी संस्था का फायदा उठाती है किसी तरीके से कि उनको राजनीतिक फायदा हो जाए। मगर अंजना जी, मेरा एक्सपीरियंस है, इससे फायदा नहीं हुआ। अन्ना हजारे साहब को हर इलेक्शन से पहले लाया गया, उनकी चिट्ठी लाई गई, उस पर तीन तीन दिन चार चार दिन बहस हुई, मगर राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं होता है। अंजना जी मैं पुनः कहूंगा, शाही किसकी, कलम किसका, किसका हाथ, किसका कागज, छोड़िए ये बताइए जो दावा किया गया है वो सत्य है, उसमें दम है कि नहीं है? और मत मानिए चलिए अपने गुरु की बात भी, लेकिन अरविंद केजरीवाल स्वराज पुस्तक में शराब के बारे में ये सुझाव देते हैं और मैं पढ़ देता हूं, शराब की दुकान खोलने का कोई लाइसेंस तभी दिया जाना चाहिए जब ग्राम सभा इसकी मंजूरी दे दे और ग्राम सभा की संबंधित बैठक में वहां उपस्थित 90% महिलाएं इसके पक्ष में मतदान करें। शांत करें रवि जी, रवि जी का ग्राम सभा है क्या? नहीं, ये क्या एनालॉजी लेके आ रहे हैं? ये तरीका तो ठीक नहीं है ना। अरे ठीक नहीं है सर, आप आरोप ही लगा सकते हैं बस। ठीक, मैं पुनः पढ़ दूं, अरविंद केजरीवाल का ये मानना था वहां उपस्थित 90% महिलाएं इसके पक्ष में मतदान करें, आज पलट गए, आज ठेकेदार तय कर रहे हैं कहां दुकानें। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, दूध पनीर दही की बात कर रहे हैं, अरे कम से कम 1+1 करना ही था तो शराब की बजाय दूध पनीर दही पे कर देते, क्यों नहीं किया? बताओगे? नहीं बताएंगे। और मैं एक बात और कह दूं अंजना जी, सबसे बड़ी बात है आज जो सवाल पूछा गया, 2.5 साल तक जब सीवीसी कहता है कि प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार हुआ, कोई टेंडर नहीं निकाला आपने, आपने टॉयलेट को क्लासरूम बना दिया और गिनती करवा दी और उसके बाद आपके टेबल पे फाइल पड़ी रही, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये एलजी को लाते हैं। अब मैं एलजी पे एक बात कहता हूं, अंजना जी ये वही अरविंद केजरीवाल है पलटू राम, जिनकी विश्वसनीयता जो ट्विन टावर गिरे हैं ना उससे ज्यादा तेजी से गिर रही है। और आप बताइए, अरुण जेटली जी के लिए अपशब्द कहे, बाद में माफी मांगी, आई एम सॉरी मेरे से गलती हो गई, नितिन गडकरी जी आरोप लगा दिए, जब नितिन गडकरी जी ने इनको कहा कि गलत है तो इन्होंने कहा आई एम सॉरी अब मैं नहीं बोलूंगा, अब क्या बात है कि आज तक पे बोल दिया उसके बाद कहे आई एम सॉरी, मैंने यूं ही आरोप लगाए थे। और सबसे बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल अगर आपको लगता है कोई गलत किसी व्यक्ति ने किया है, न्यायालय जाइए,
सीबीआई जांच, ईडी जांच, सब आदेश होते हैं, पुलिस थाने में कंप्लेंट दीजिए, नागरिक तो आप भी हैं। लेकिन नहीं, हवा हवाई बातें करेंगे अंजना जी। और आज जो बड़ा मुद्दा है, आप बताइए, तीन घोटाले, स्वास्थ्य मंत्री 3 महीने से जेल में, आबकारी नीति पे घोटाला, कह रहे सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, अभी क्या फाइनल रिपोर्ट लग गई, इनको कैसे पता कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। ये लोग सब अनर्गल बातें करते हैं, बिना तथ्यों के बातें करते हैं है। और क्लासरूम घोटाला, पुनः कहूंगा, कल 11 बजे सौरभ भाई से मेरी मुलाकात होगी। 500 स्कूल जो मैनिफेस्टो में वादा किया था, 7-8 साल बीत गया, आप बताइएगा वो 500 स्कूल कहां है। और आज तक पे हम लोग वो प्रमाण के साथ रखेंगे, अगर मैं गलत हूं तो मैं गले लग के माफी मांगूंगा अरविंद केजरीवाल से भी, सौरभ भाई से भी।